राहुल गांधी जब जब इंडिया के बाहर जाते हैं देश के खिलाफ जमकर बोलते हैं, निशाने पर मोदी होते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं उससे देश की भी बदनामी होती है। राहुल आजकल लंदन में हैं, रोज अलग अलग मंच से मोदी को टारगेट कर रहे हैं। इस बार तो राहुल ने जो कहा उसे यकीन करना मुश्किल हो गया। राहुल ने भारत और चीन के बीच LAC के हालात की तुलना रूस और यूक्रेन के उस वॉर से कर दी जिसके चलते थर्ड वर्ल्ड वॉर तक का काउंटडाउन शुरू हो गया था। क्या राहुल गांधी विदेश में मोदी को गाली देकर 24 में वोट की प्लानिंग कर रहे हैं? राहुल गांधी ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इट्स नॉट इंटरेस्टेड इन अ कॉन्वर्सेशन, दे हैव डिसाइडेड, माय फोन हैड पेगासस ऑन इट, RSS इज ए, यू कैन कॉल इट अ सीक्रेट सोसाइटी, it's built along the lines of the Muslim Brotherhood. फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। Our Prime Minister said in a meeting with the opposition where I was there that not a single inch of Indian territory has been taken. राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र, मीडिया, न्यायपालिका सब पर सवाल उठा दिए हैं। पहले कैम्ब्रिज, फिर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और अब ताजा हमला बोला है लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में। यहां पर भी राहुल गांधी ने अपने तेवर तीखे ही रखे। इतना ही नहीं, चीन के साथ भारत का सीमा विवाद राहुल गांधी को रूस और यूक्रेन जैसा लगता है। इन माई व्यू द बेसिक आइडिया बिहाइंड द ट्रूप्स इन अरुणाचल एंड लद्दाख इज सिमिलर टू व्हाट इज हैपनिंग इन यूक्रेन। आई मेंशन दिस टू द फॉरेन मिनिस्टर, ही कंप्लीटली डिसएग्रीज विद मी एंड ही थिंक्स दिस इज अ लूडिक्रस आइडिया। इट्स फाइन। राहुल ने इस बार चीन और RSS को लेकर सरकार को घेरा। RSS इज ए, यू कैन कॉल इट अ सीक्रेट सोसाइटी, It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power, and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, Election Commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So the Rahul Gandhi ki zuban se is waqt chand shabd hi baar baar repeat ho rahe hain. Bharat mein jeena mushkil ho gaya hai, Bharat mein loktantra khatm ho gaya hai, Hindustan ko bachana hai. Rahul Gandhi London mein baithkar Bharat aur Cheen ke rishton par lagatar sawal utha rahe hain. चीन को भारत से बड़ा और पावरफुल बताने में लगे हुए हैं। They're sitting on 2000 square kilometers of our territory. Right? I mean, I don't know. That antagonize doesn't quite capture it. Right? No. I mean, yeah, it doesn't quite capture it. And the interesting thing is that when they did it, our prime minister said in a meeting with the opposition where I was there, that not a single inch of Indian territory has been taken. Right? Now, what message does that send to the Chinese? Right? The Chinese know they're sitting on 2,000 square kilometers of our territory. Our military knows it. And our prime minister says, well, they're not there. So, it encourages them. Rahul Gandhi London mein Bharat aur BJP ke khilaaf mahol banane mein jute hain. वो लंदन में हर मंच पर बीजेपी को कोस रहे हैं। वे द बीजेपी रिस्पॉन्स, राइट, द इट्स नॉट इंटरेस्टेड इन अ कॉन्वर्सेशन, दे हैव डिसाइडेड दैट दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन, नोबडी एल्स इन द कंट्री अंडरस्टैंड्स व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड दैट्स इट, एंड दिस इज विजिबल। आई मीन, यू कैन आस्क एनी ऑपोजिशन पार्टी, you can see, for example, how the agencies are used. You can ask any opposition leader about how the agencies are used. My phone had Pegasus on it. That
That simply was not happening when we were in power. So there are things that are very obvious and are apparent to everybody. राहुल ने लंदन में बीजेपी और संघ के खिलाफ जहर उगला तो देश में बीजेपी ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। देश में यात्रा निकाल लिए, अब विदेश यात्रा में चले हैं और विदेश यात्रा में भारत की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए ये मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं। मोदी जी को गाली देना उनका कर्तव्य बन गया है, लेकिन ये देश की प्रतिष्ठा हनन यात्रा पर निकले हैं, ये देश के ऑनर को किलिंग कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, आज यूक्रेन रशिया के युद्ध में लोग मोदी की तरफ देख रहे हैं, ये मोदी की गाली देते देते प्रतिष्ठा, अब देश की प्रतिष्ठा हनन पर निकले हैं। इनके डीएनए में ही वो लोकतंत्र की हत्या, तो अब तो ये शासन में है नहीं, तो इनको लगता है कि मेरे सिवा ये चाय बेचने वाला का बेटा, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री कैसे, उसमें भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है दुनिया में, तो दुनिया में चलो गाली दे। विदेशी धरती से देश की व्यवस्थाओं को कोस रहे राहुल गांधी को अब विशेषाधिकार समिति का सामना करना है। संसद के विशेषाधिकार समिति ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। सांसद निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था, जिस पर 10 मार्च को समिति की बैठक होगी। इस दौरान समिति के सामने निशिकांत दुबे अपना पक्ष रखेंगे। यानी राहुल गांधी लंदन में लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो विवाद क्रिएट कर रहे हैं। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करना, इसको राजनीतिक गलियारों में कैसे देखा जा रहा है? निश्चित तौर पे पवन, बहुत तीखी प्रतिक्रिया बीजेपी या संघ के नेताओं की अगर बात कर ले तो उनकी है इस बयान को लेकर। हालांकि राहुल गांधी ने पहली बार ये नहीं कहा है, लेकिन विदेश में जाके बार बार इस बात को कहना निश्चित तौर पे चाहे आरएसएस हो या फिर बीजेपी, उनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है। मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, अगर वो उस चीज़ को समझें कि 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, उसके पीछे मकसद ये था कि शरिया के हिसाब से इस्लामिक शासन बनाना था। वो यही आरोप आरएसएस के ऊपर लगा रहे हैं कि आरएसएस ने संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, फासीवादी संगठन है, और इस लिहाज से भारत में लोकतंत्र खतरे में है, या यूं कहे कि राहुल गांधी के हिसाब से भारत में लोकतंत्र है ही नहीं। फ्रीडम एफ से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कुल मिलाकर विदेश की धरती पर जाके बार बार इस तरह की बातों को कहना, क्योंकि वहाँ पे वो एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ गाली नहीं दे रहे हैं, बल्कि भारत में एक चुनी हुई सरकार, यहाँ की जनता ने लोकसभा चुनाव में जिस दल को चुना उसकी सरकार है, और उसके खिलाफ अगर इस तरह की बयानबाजी करना, निश्चित तौर पर चाहे बीजेपी हो या संघ के नेता, वो बहुत ज़्यादा आग बबूला है। चाइना को लेकर भी राहुल गांधी जिस प्रकार की बातें करते हैं, इसके अलावा पेगासस के मसले को बार बार उछालते हैं, जबकि हकीकत ये है कि जब कोर्ट में ये कहा गया था कि जिन्हें शक हो कि उनके फ़ोन में पेगासस है, वो अपना फ़ोन जमा करें, ना राहुल गांधी ने अपना फोन दिया था, ना ही कांग्रेस के किसी और नेता ने दिया था जब उसकी जांच चल रही थी। तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पे एक राजनीतिक सनसनी फैलाने के मकसद से आप ज्यादा समझी जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पे अगर विदेश में बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के खास तौर पे राहुल गांधी इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया समझी जा सकती है। और अब से थोड़ी देर के अंदर जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद आएंगे, तो राहुल गांधी के मसले पर निश्चित तौर पर वो पलटवार करेंगे। और इसके अलावा लालू प्रसाद यादव को लेकर जो सीबीआई जांच चल रही है, इस मसले पर भी उनका बयान आने वाला है। जी देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।